Hello, welcome back to the Bhaskar Biology channel. Myself Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments and share the link and don't forget to press the bell icon. आज हम जो टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं या आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड कई वीडियोस बने हैं और हमने उसको अपलोड किया हुआ है. अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो उन पूरे वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देखिए. और जितने भी वीडियोस हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड है वो पूरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बॉटम में नीचे वहां पर पूरे लिंक है, आप जरूर देखिए. आज हम देखने वाले एक नया डिसीज जिसका नाम है कैंसर. कैंसर ये वर्ड एक्चुअली आता है, इसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं तो द वर्ड इज केम फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज. ग्रीक लैंग्वेज में हिप्पोक्रेट्स ने, जो कि द फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, जब ही वो स्टडिंग ऑन अ डिसीज, उसने देखा कि एक क्रैब जैसा स्प्रेड होता है, फिंगर अपीयरेंस जैसा होता है, क्रैब जैसा, उसने अपने ग्रीक लैंग्वेज में उसको उसका नाम रखा जिसका मीनिंग क्रैब था. बाद में उसको कन्वर्ट कर लैटिन लैंग्वेज में फिर कन्वर्ट किया गया, जिसको एग्जैक्टली नाम कैंसर रखा गया. ओके, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड को कन्वर्ट कर कार्सिनोमास ग्रीक में रखा गया, कार्सिनोस एंड कार्सिनोमास को कन्वर्ट कर उसे लैटिन में कैंसर रखा गया. बाद में वही और एक नाम ऑनकोस केम इन टू द वन ऑफ द रोमन फिजिशियन ने उसको फिर नया नाम दिया कैंसर का, और एक नया नाम आया जिसका नाम ऑनकोस, और उसी को आज हम ऑनकोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर कहते हैं, ऑनकोलॉजी, और उसी के एक्सपर्ट को हम ऑनकोलॉजिस्ट कहते हैं. तो आगे हम सब चीजें डिटेल में देखने वाले हैं कि कैंसर का सिम्टम्स क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कैंसर में एक्चुअली होता कैसा है, और कैंसर के कॉजल कॉजिटिव एजेंट्स क्या है, और उसके बाद कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखने वाले इस वीडियो में. सो आप पूरा वीडियो देखिए. तो कैंसर में पहले हम देखते हैं व्हाट इज द वर्ड कैंसर, एक्चुअली होता क्या है. कैंसर के अंदर जनरली हम देखते हैं कि एक एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल एंड पर्पसलेस. देखिए यहां पर तीन वर्ड है. पहला वर्ड है यहां पर एबनॉर्मल, जो कि नॉर्मल नहीं रहेगा, अनकंट्रोल जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, पर्पसलेस बेवजह. क्या हो रहा है ये सारी चीजें, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल पर्पसलेस. सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है, और ये डिवीजन होने के बाद ये सेल जब डिवाइड करती है और बेवजह बहुत सारे सेल का एक मास तैयार होता, उस कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस एबनॉर्मल सेल डिवीजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को ही ट्यूमर कहते हैं. और इट ये है ट्यूमर. लेकिन देखो कि ट्यूमर दो टाइप के हैं जो हम आगे देखने वाले डिटेल में, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. जैसे कि अब ये फोटोग्राफ व्यू में देखिए, यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर एक नॉर्मल सेल जिसका अपना न्यूक्लियस के अंदर उसका अपना डीएनए है. डीएनए में नॉर्मल एक जीन होती है जिसका नाम है ऑनकोजीन, प्रोटो ऑनकोजीन, नॉट ऑनकोजीन, प्रोटो ऑनकोजीन. जैसी उस सेल के डीएनए में सडन चेंज ऑफ सीक्वेंस होती है जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, तो वो सेल, कुछ सेल अपने आप को नॉर्मली रिपेयर कर देते हैं, वो नॉर्मल हो जाती है. लेकिन कुछ सेल में वो जो म्यूटेशन हुआ वो सेल सरवाइव करती, अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं करती, म्यूटेशन जैसा कि वैसा रहता है, और कुछ दिन बाद वो सेल अपने आप को खत्म कर देती, मर जाती, जिसे हम कहते हैं एपोटॉप्सिस, नॉर्मल डेथ. ये होगा. लेकिन कुछ सेल नहीं मारते अपने आप को, डिवाइड कर यानी म्यूटेशन होने के बाद अपने आप को वैसे के वैसे रखते और आगे चलकर फिर और बहुत सारा म्यूटेशन करते हैं. ओके, अगर वो डेथ नहीं होती है तो ये करती है. जब बहुत सारा म्यूटेशन होता है, बहुत सारा अंदर जेनेटिक में अल्टरेशन यानी सिक्वेंसिंग चेंज होती है जेनेटिक मेकअप में, तब वो प्रोटो ऑनकोजीन एक ऑनकोजीन में यानी एक एक्टिवेटेड हो जाता है और वहां पर वो स्टार्ट करता है एबनॉर्मल सेल डिवीजन.
एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस सेल डिवाइड करना शुरू करती, और सेल डिवाइड करते करते वहां पर एक छोटा सा सेल का ग्रुप ऑफ मास तैयार होता जिसे ट्यूमर कहते। लेकिन ये जिस जगह पर बना वहीं पर प्रेजेंट होता है और कहीं पर भी ये स्प्रेड नहीं होता, तब ऐसे ट्यूमर को वहां बेनाइन ट्यूमर कहा जाएगा। देखो क्या है यहां पर, बेनाइन ट्यूमर का। लेकिन कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जो वहां से निकलते हैं और निकलकर बहुत सारी जगह पर, बहुत अलग अलग ऑर्गन पर स्प्रेड होते हैं, जैसे कि बिल्कुल लाइक अ क्रैब। यहां देखो इसका अपीयरेंस कैसा हुआ, जस्ट लाइक अ क्रैब, इसीलिए द वर्ड के अ कैंसर। और ऐसे वर्ड जो ऐसे स्प्रेड होने वाले ट्यूमर को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। दिस ट्यूमर इज वेरी डेंजरस एंड दिस इज नथिंग बट द कैंसर, इसी को हम कहते हैं कैंसर। याद रखना ट्यूमर में सब ट्यूमर कैंसर नहीं होते, जो ट्यूमर स्प्रेड होता है अपने उस ओरिजिन से दूसरी ऑर्गन, हेल्दी ऑर्गन को स्प्रेड होता है उसको ही कैंसर कहेंगे। कैंसर, कैंसर का अगर वर्ड मीनिंग देखें हम तो द मीनिंग ऑफ द कैंसर इज अ डेविल, खतरनाक मारने वाला। और बेनाइन का देखेंगे तो इन दैट वी कैन से दैट सोबर, यानी ऐसा जिसका नेचर साइलेंट नेचर है, डिसेंट नेचर है और स्मार्ट लुक है, उसको हम कहते हैं बेनाइन। ये वर्ड मीनिंग्स है इसके। चलिए लेट्स सी द, अब हम कैंसर सेल, ऐसे सेल जो उसकी स्प्रेड होते हैं उसके बारे में अगर हम देखते हैं, तो जब वो सेल स्प्रेड होते हैं तो नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह जहां पर भी जाएंगे न्यू जगह पर नया लंप तैयार करते, नए मासेस ऑफ टिश्यूज तैयार करते, और जो नया लंप या ग्रुप ऑफ सेल तैयार होगा उसी को हम कहते हैं नियोप्लाज्म। नियो का मतलब न्यू, प्लाज्मा मतलब नए सेल विद न्यू प्लाज्मा। ओके द वर्ड इज नियोप्लाज्म। लेकिन ये पूरे कैंसर यानी मैलिग्नेंट कैंसर में होता है एक्सेप्ट ल्यूकेमिया छोड़कर, क्योंकि ल्यूकेमिया में लंप फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि वो लूज सेल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म होता है, बाकी सब में एक मास ऑफ लंप फॉर्म किया जाता, इसलिए यहां पर ल्यूकेमिया छोड़कर सब में ये न्यूप्लाज्मिक कंडीशन रहेंगे। ये जो स्प्रेड होता है मैलिग्नेंट वाला, ये जाकर वहां ग्रो होता है, यानी एक इन्फेक्टेड से, यानी जहां पर उसने सेल डिवाइड किया वहां से जाता दूसरे हेल्दी पर, और हेल्दी पर भी जाकर अपने आप को ग्रो कराता, और जिस ऑर्गन पर ये जाकर ग्रो हो रहा है वहां पर उसके नॉर्मल फंक्शन में इंटरफेयर कराता है। क्यों? क्योंकि यहां से इसके बहुत सारे ऐसे सिक्रीशंस रिलीज करते हैं वो जो बॉडी के फंक्शंस को भी अल्टर करता है, और ये इतना डेंजरस डेविल वर्ड, पहले हमने कहा कि डेविल, इसलिए यहां पर ये उस इंडिविजुअल जिसके अंदर ये चेंजेस हो गए ये उसको मारने वाली डिसीज। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी डेंजरस, इट इज अ फैटल डिसीज। देन द वर्ड ऑनकोलॉजी, जैसा हमने बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि द वर्ड ऑनकोस एक ऐसा वर्ड जो दैट वॉज गिवन बाय द गैलेन दैट इन द 130 टू 200 एडी, एक रोमन फिजिशियन ने वर्ड दिया था गैल ऑनकोस। ऑनकोस का मीनिंग होता है, द मीनिंग इज हियर द स्वेलन, एक स्वेलिंग रीजन, इसे ट्यूमर जिसे हम कह रहे हैं स्वेलिंग रीजन को उसने ऑनकोस कहा। और कैंसर किसे कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है क्रैब लाइक अपीयरेंस। ओके इसलिए यहां पर ऑनकोस वर्ड यूज किया गया ट्यूमर को, स्वेलिंग स्वेलन रीजन को। तो अब यहां पर आता है ऐसे फिजिशियन या ऐसे रिसर्चर जो स्पेशलाइज्ड होते हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले, कैंसर के बारे में स्टडी करते, कैंसर को डायग्नोस करते, कैंसर का ट्रीटमेंट देते और कैंसर के प्रिवेंटिव मेजर्स पर डिस्कस करते, ऐसे एक्सपर्ट को हम या सभी उसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। याद रखना ऑन्कोलॉजिस्ट वर्ड के बारे में। देन ट्यूमर्स आर ऑफ टू, हम कैंसर वर्ड नहीं यूज कर रहे यहां पर, सब थोड़ा सा यहां पर इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। द वर्ड कैंसर इज नॉट यूज, ट्यूमर्स, there are the two types of the tumor, one is benign tumor and second is a malignant tumor. याद रखना दो ट्यूमर होते हैं जिसपे हम डिस्कस करेंगे। चलिए benign tumor एक ऐसा ट्यूमर जो कि जिस जगह से ये originate होता है, start होता है, यानी abnormal cell division, uncontrolled cell division जब शुरू होता है तो वो उसी जगह पर होता है जहां पर वो organ, जिस organ पर शुरू हुआ, start हुआ।
वहीं पर प्रेजेंट रहेगा, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, कैप्सुलेटेड होता है, ये स्प्रेड नहीं होता। याद रखना जिस जगह शुरू हुआ था वहीं पर है, डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट। ऐसे ट्यूमर को बेनाइन ट्यूमर कहा जाएगा। अब इसको सर्जरी के लिए निकाला जाए, अब बेनाइन ट्यूमर में अगर हम देखते हैं तो हर नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ह्यूमंस में कान पर, गर्दन पर, हाथ पर, आर्मपिट पर, शोल्डर पर मोल फॉर्मेशन किया जाता है, जिसे हम मसा कहते हैं। मसा क्या है? बेनाइन ट्यूमर। इट इज ऑल्सो अनकंट्रोल मास, एक लंप लाइक स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ उसे हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। वो उसे कोई नुकसान नहीं होता है या वो कैंसरस नहीं है, स्प्रेड नहीं होता। लेकिन हम ये गलत फहमी में नहीं होना चाहिए कि ये पूरे के पूरे बेनाइन ट्यूमर से कुछ होता नहीं। नहीं, कुछ है ऐसे भी ट्यूमर दैट मे कॉज अ ट्रबल। यानी बेनाइन ट्यूमर शुरुआत में वो बेनाइन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, दे बिकम द हार्मफुल, दे बिकम द फैटल। जैसे कि एग्जाम्पल यहां मेंशन किया गया है, द एग्जाम्पल इज हियर अ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर डेट कैन कॉज द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल ड्यू टू द स्क्वीजिंग ऑफ अ ब्रेन अगेंस्ट द स्कल। यानी जब वो ट्यूमर बढ़ते जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक पेशेंट है, देखिए आई गॉट दिस वन फोटोग्राफ, जिसमें आप देख सकते हैं कि द पेशेंट का ट्यूमर इतना बढ़ गया कि वो बाहर तक आ गया, यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन, ओके। लेकिन ये जो ट्यूमर फॉर्म होता है, ये ट्यूमर देखो इसके अलग अलग लोकेशन भी दिए कि ट्यूमर कहां बनता है ब्रेन के अंदर। ये एक लोकेशन है, दिस वन इज लोकेशन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ऑल दीज आर द डिफरेंट लोकेशन यहां पर फॉर्म होगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं कि नॉर्मली अगर आप बायोलॉजिकल कंसेप्ट में अगर देखते हैं तो ब्रेन सेल यानी न्यूरॉन बीइंग अ एनिमल सेल, इस सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम ना होने की वजह से ये सेल डिवाइड नहीं करती। याद रखना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, न्यूरॉन्स जब एक बेबी बर्थ करता है, जितने न्यूरॉन्स उसके अंदर है वो मरने तक उतने न्यूरॉन्स उसके ब्रेन में होते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूरॉन नहीं होता क्योंकि सेल डिविजन नहीं होता। फिर ब्रेन ट्यूमर तो कह रहा है कि अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल डिविजन होता है। ये सेल डिविजन जो होता है ये न्यूरॉन में नहीं होता। जस्ट सी हियर ऑन योर स्क्रीन, ये है न्यूरॉन, दिस इज द न्यूरॉन, ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये है न्यूरॉन, ये डिवाइड नहीं करता। लेकिन इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्टिव टिश्यू होता है, ग्लियल टिश्यू, ये अलग अलग, ये वो सेल्स है जो सपोर्टिव सेल्स है, ये डिवाइड करते हैं, इनके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। ये वो सेल्स है जो कि एबनॉर्मल डिवाइड करते हैं और जिसके वजह से ट्यूमर का फॉर्म किया जाता है, उस ट्यूमर को हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, ओके। लेकिन कुछ पेशेंट्स में कुछ डेड खराब न्यूरॉन इस ग्लियल सेल के साथ ट्यूमर फॉर्म करते, वो सीवियर ट्यूमर कहा जाता है, जो सीवियर ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, ओके। नॉर्मली ये बेनाइन ट्यूमर है, इसको सर्जरी से निकाला जाता, अगर ये बढ़ गया तो ये फैटल हो सकता है, उस इंडिविजुअल के लिए मरने के लिए काफी है। सेकेंड ट्यूमर जो बेनाइन तो है लेकिन कभी कभार वो डेंजरस यानी मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि एडिनोमा एंड फिब्रॉइड। एडिनोमास क्या है? एडिनोमास आर नथिंग बट द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और ट्यूमर फॉर्मेशन इन अ ग्लैंडुलर टिश्यू। जैसे कि अलग अलग ग्लैंड से ह्यूमन बॉडी में, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ, आप देखिए, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड है, तेरादन मेनी पीनियल ग्लैंड एक्सेट्रा। तो यहां पर जब ये थायराइड ग्लैंड पर ग्रो हो रहा है, ये एडिनोमास का एक टाइप होगा, ये सीवियर मैलिग्नेंट हो सकता। नॉर्मल ये बेनाइन है, अगर ये बढ़ता गया ये सीवियर होकर मैलिग्नेंट स्प्रेड हो सकता। दूसरा है फिब्रॉइड। ये फिब्रॉइड जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्पेशली इन यूटेरस, यूटेरस के वॉल पर, अलग अलग इसमें टाइप है, जैसे कि पेडंकुलेटेड फिब्रॉइड होता है पेडंकल रीजन पर, उसके बाद सब सेरोसा रीजन पर भी होता है,
उसके बाद देखते सब म्यूकोसल रीजन में भी प्रेजेंट होता है, देन सम इंट्राम्यूरल रीजन में भी फिब्रॉइड होता है, एंड वन मोर इज हियर ऑल्सो, यानी अलग अलग रीजन में फिब्रॉइड। ये फिब्रॉइड और ट्यूमर क्या है? दोनों को अगर हम देखते हैं तो ट्यूमर जनरली अनकंट्रोल मास ऑफ सेल का एक लंप या एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर एक ही जगह पर बनता है, एक बनता है, एक ही। लेकिन एक से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा ट्यूमर यानी बेनाइन ट्यूमर एक जगह जैसे बंच में बनते, याद करो बंच में जब बनते हैं तब उसे बोलते हैं फिब्रॉइड यूज किया गया, यानी फिब्रॉइड इज नथिंग बट द बेनाइन ट्यूमर बट इन द फॉर्म ऑफ द बंचेस, और स्पेशली प्रेजेंट होता है इन द एंडोमेट्रियल वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस के ऊपर हमको देखने को। इसको भी सर्जरिकली आसानी से अगर ये कम है, कम नंबर में, तो इसको रिमूव किया जा सकता, अगर बढ़ गया तो सीवियर मैलिग्नेंट हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द बेनाइन ट्यूमर विच कैन बी बिकम द विच कैन कॉज द ट्रबल। सेकेंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो ये है कि इट इज हैविंग द वेरी फास्ट ग्रोथ रेट, ये काफी तेजी से बढ़ता है और इतना तेजी से बढ़ता है कि इसकी वजह से उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, इसलिए इसका मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है। यानी ऐसे पेशेंट जिसके अंदर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वो डेफिनेटली अगर सीवियर हो गया तो उसकी डेथ फिक्स, इसलिए ये काफी डेंजरस कैंसर है, इसी कुछ कैंसर कहते हैं। इसके अंदर काफी तेजी से ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने की वजह से ये सेल्स इतने बहुत, अब देखो यहाँ पर सेल डिवाइड हो रहे इतने रैपिड हो रहे कि वो जिस ऑर्गन पर डिवाइड हो रहे थे अब वहां पर जगह कम हो रही, वो बस्ट होकर दे शो द डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल सेल्स, बस्ट होकर बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो वो कॉम्पीट करते हैं, देखो जिस जगह पर ये कैंसर बन रहा था वो प्राइमरी लोकेशन है, प्राइम रीजन है, यहां पर कैंसर बन रहा था लेकिन ये यहां से स्प्रेड हो रहे, निकलते एक निकली दूसरी निकली, और स्प्रेड कहां से हो रहे देखो, अब ये जरा व्यू पर गौर करो, यहां पर प्राइमरी फॉर्म है, यहां से स्प्रेड होते होते पास के एक ऑर्गन लीवर को स्प्रेड हुए, वहां पर जाकर लीवर के जो सेल्स है उस सेल से कॉम्पीट करते कई के लिए फॉर न्यूट्रेंट, उनको न्यूट्रेंट्स ना लेने नहीं देते, ये खुद न्यूट्रन लेते और वहां के सेल्स को मारना शुरू करते। सी हाउ दे आर डूइंग, जहां पर जा रहे हैं वहां का खाना पानी खुद लेते हैं और उनके वो सेल्स को मारकर उनको कैंसरस कर रहे हैं, फिर वहां से निकलते आगे के ऑर्गन को जाते हैं वहां स्प्रेड होते हैं, जैसे कि लंग्स को चले गए, वहां के कॉम्पीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, वहां के सेल्स को मारा। तो ये जो फ्लो होता है यानी स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड होने के लिए यहां पर ये यूज करते हैं, एक तो ब्लड स्ट्रीम या फिर दे गो अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड से जाएंगे या लिम्फ से जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे वहां जाकर अपना नया ट्यूमर, देखो ये नया ट्यूमर बना, यहाँ पर नया ट्यूमर बना, ये जो ट्यूमर होता है दिस ट्यूमर इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ट्यूमर। देखो प्राइमरी यहां हुआ था, दिस इज द प्राइमरी, सेकेंडरी दिस इज द सेकेंडरी ट्यूमर। ये जो स्प्रेड होने की जो प्रोसेस है इनकी, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, इट इज कॉल्ड एज अ मेटास्टेसिस। This is very important word, आपको यहां याद रखना, the word metastasis। ये metastasis सिर्फ malignant tumor में होता है, इसलिए ये cancerous है। Benign tumor में metastasis नहीं होता। Metastasis मतलब ये जिस जगह पे शुरुआत हुई, origin हुई, वहां से पास के किसी दूर के organ को ये जाकर infect यानी उसको affect करते हैं, उसे कहते हैं मेटास्टेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर ही है। देन द टाइप्स ऑफ द कैंसर्स, देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू दे अफेक्ट, यानी कौन से टिश्यू पर कैंसर हुआ उसके बेसिस पर यहां पर पांच टाइप के कैंसर तैयार हुए। बाद में इन पांचों के भी नाम जब रखे गए तो नाम भी रखेगे कि कौन से टिश्यू पर ये तैयार हुआ, स्टार्ट हुआ, उसके नाम भी उसी पर रखे गए। सो आपको याद रखना है कि देर आर द फाइव टाइप्स ऑफ द कैंसर, पांच टाइप के कैंसर है और पांचों की रीजन कहां से बने, कौन से टिश्यू से बने और उनके नाम भी उस टिश्यू के हिसाब से रखे गए। सो लेट्स सी वन बाय वन। नंबर वन इस कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर है जो अराइज करता है फ्रॉम अ एपिथेलियल टिश्यू। अब आप देखिए एपिथेलियल का भी हमारा वीडियो अपलोड किया हुआ है,
स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज पे, आप देखिए उसको भी, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो एपिथेलियल किसे कहते हैं, इन शॉर्ट एक ऐसी सिंगल लेयर्ड सेल की लेयर, एपी मींस ऊपर, थेलियल मींस द लेयर, फर्स्ट मोस्ट सुपर मोस्ट लेयर, किसी भी बॉडी के ऑर्गन के ऊपर की पहली लेयर या अंदर से पहली लेयर, वो होती है एपिथेलियल। ये अगर सेल्स अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल डिवाइड करना शुरू करते हैं तब उससे कुछ कैंसर होता है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल इज द ब्रेस्ट कैंसर। यानी यहां की जो एपिथेलियल टिश्यू है, डिस एपिथेलियल टिश्यूज दे आर शोइंग द एबनॉर्मल सेल डिविजन, ब्रेस्ट के ऊपर होता है इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का। वही अगर हम लंग्स की एपिथेलियल टिश्यू पर होता है तो उसे हम कहते हैं देखो एबनॉर्मल मास ऑफ सेल, इसे हम कहेंगे लंग कैंसर। जब स्टमक के अंदर की जो म्यूकोसल लेयर है उसमें होता है तब उसे हम कहते हैं स्टमक कैंसर। स्किन के ऊपर होता है, स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है, अलग अलग इसमें शेप साइज इनके टाइप्स है स्किन कैंसर के, ये है एक्सेट्रा। ये हुआ एपिथेलियल टिश्यू से वाले कैंसर के टाइप्स, सॉरी एग्जांपल्स, दिस इज द वन टाइप कार्सिनोमा। सेकेंड टाइप है सार्कोमा। अब सार्कोमा के अंदर कौन से टिश्यू को यूज किया गया रहा, इट यूज द कनेक्टिव टिश्यू। इंटरेस्टिंग है ना, पहला था एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू का अगर क्लासिफिकेशन पर हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, हार्ड है, उसके हिसाब से तीन टाइप के मेन तीन हेडिंग जो तो कनेक्टिव टिश्यू है। एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दिस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देखा गया कि इट इज मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें एरियुलर एंड एडिपोज, ये कॉमन है, आप सबने सुने हैं इसका। अगर वीडियो आपने अब तक नहीं देखे तो आप देख लीजिए। दूसरा है डेंस में, ये लूज था, अब डेंस में लिगामेंट एंड टेंडन। देखो ये दोनों है तो ज्वाइंट है, मसल्स को अटैचमेंट है, ये दोनों काम कर रहे हैं। ये हुआ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्ट देने का काम करते हैं बॉडी को, जिसमें होता है कार्टिलेज और ये होता है सेकेंड वाला होता है बोन। ओके, दोनों हो गए यहां पर। तीसरा वाला है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड होने की वजह से यहां पर जो कैंसर ट्यूमर होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता, इसलिए उसको सार्कोमा में इंक्लूड नहीं किया गया, याद रखना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर, इवन दो इट इज अ कनेक्टेड टिश्यू, इसको यहां नहीं रखा गया, इसके लिए एक सेपरेट टाइप ऑफ कैंसर बनाया गया, हम आगे देखने वाले। चलिए, तो यहां हम देखने वाले कनेक्टेड टिश्यू, जैसे कि लिगामेंट है, टेंडन है, उसके बाद बोन है, कार्टिलेज पर हम देखने वाले। तो पहला एग्जाम्पल जो सार्कोमा के कैटेगरी में आता है वो है बोन कैंसर, जो सीधी बोन कैंसर। बोन कैंसर के भी काफी अलग अलग टाइप्स है, कुछ ये शाफ्ट के ऊपर है, ये एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन के ऊपर है, देन एट द सेकेंड एंड ऑफ द बोन है, ओके, ये जॉइंट की तरफ का, और ये फीमरल जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का जहां जॉइंट बनता है, एसिटेबुलर रीजन पर, यहां पर बॉल पर है। देन इसे कहते हैं ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियो मतलब बोन, सार्कोमा एक कैटेगरी। देन सेकेंड वन इज अ मसल ट्यूमर, मसल्स के अंदर हो रहा है, मसल के अंदर, ये बहुत बड़ा ट्यूमर है, स्मूथ मसल के अंदर से इसको ऑपरेट कर निकाला गया, यहां पर भी आप देख सकते हैं मसल, इसे कहते हैं मायोसार्कोमा। देन नेक्स्ट इज अ कार्टिलेज कैंसर। अब देखो ये बोन का यहां पर है, ये ह्यूमरस बोन है, यहां हाथ के बोन के पास यहां पर कार्टिलेज रीजन होता है, सिनकोंड्रोसिस। ये कार्टिलेज के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, इसे कहते हैं कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज सार्कोमा। एंड द लास्ट इज द कैंसर ऑफ एडिपोज टिश्यू, फैट वाला, जिसमें फैट डिपॉजिट कर जमा किया जाता है, उसे कहते हैं एडिपोज। ये सेल जब डिवाइड करते हैं तो एबनॉर्मल ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म किया जाता है, उसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। देन थर्ड कैटेगरी ऑफ कैंसर इज अ लिम्फोमा। अभी लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जहां पर लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यूज, लिम्फेटिक नोड्स पर ये कैंसर होता है, इसे कहते हैं लिम्फोमा। तो यहां कैंसर जो हमको देखने को मिलेगा, द कैंसर इज ऑब्जर्व इन लिम्फेटिक नोड, जैसे कि आप देखते हैं कि यार द लिम्फ नोड्स, ये है लिम्फ नोड, किसे कहते हैं जहां पर देख रहे हैं ना, जहां पर जंक्शन होता है, ये लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, बहुत सारे। अब लिम्फ नोड में हम देखते हैं कि लिम्फ नोड का खास लोकेशन गर्दन के पास का जो रीजन है ये वाला, यहां ज्यादा लिम्फ नोड होते हैं। उसके बाद ये जो आर्मपिट है,
इसके अंदर बहुत ज्यादा लिम्फोइड, बाद में जो ग्रोइन वाला रीजन होता है यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लोकेशन को टारगेट किया जाता है, यहां पर होता है यानी कैंसरस ट्यूमर फॉर्म किया जाता है, जिसे हम कहेंगे लिम्फोमा। उसके बाद स्प्लीन, स्प्लीन इज वन ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन। देखो थाइमस एक लिम्फेटिक ऑर्गन है और ये भी एक ऑर्गन है, तो ये स्प्लीन के अंदर भी सेल स्टार्ट टू डिवाइड एबनॉर्मली एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द स्प्लीन कैंसर। इसके अलावा जो और इम्यून सिस्टम के जो अलग अलग टिश्यूज है उसके अंदर भी ये एबनॉर्मल सेल डिविजन होता है, उसी को हम लिम्फोमा कहेंगे। द नेक्स्ट कैटेगरी इज अ ल्यूकेमिया। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यूज से होने वाले जो सेल डिविजन है, कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को वहां इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि यहां पर सॉलिड ट्यूमर फॉर्म नहीं किया जाता, इसे लूज फॉर्म में होता है। तो ये कैंसर जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, तो ब्लड कैंसर में क्या होता क्या है एक्चुअली, ब्लड कैंसर के अंदर एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी किया जाता, बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी का फॉर्म। नॉर्मल रेंज क्या है, अगर किसी भी ह्यूमन के नॉर्मल ब्लड को हम काउंट करते हैं तो उसके ब्लड में आरबीसी 5.1 टू 5.8 मिलियन क्यूब पर क्यूबिक मिलीमीटर में इतने आरबीसी रहेंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी को अगर काउंट करेंगे तो वहां पर ऑलमोस्ट दे में भी दे आर अराउंड 4000 टू 11000 इनका जो तो नंबर होता है वहां पर। ये नंबर अब डब्ल्यूबीसी कितने, सिर्फ 5-4 हजार से 11000 तक होना चाहिए, तो ये डब्ल्यूबीसी की नंबर इतनी बढ़ जाती है इस पेशेंट के अंदर, एक्सेसिव बढ़ जाती है कि नॉर्मली देखो ये है ये डब्ल्यूबीसी, लेकिन आप देखो यहां डब्ल्यूबीसी इतने बढ़ गए, तो ये डब्ल्यूबीसी के अंदर बढ़ते कितने हैं, ये बढ़ जाते 1 लाख से 4 लाख तक, 1 लाख टू 4 लाख तक इनकी नंबर बढ़ जाता है। ओके, दिस कंडीशन इज अ ल्यूकेमिया कंडीशन। जनरली ये जो डब्ल्यूबीसी बनते हैं ये सारे के सारे इमैच्योर डब्ल्यूबीसी होते हैं, एबनॉर्मल, क्योंकि बहुत तेजी से फास्ट इनका सेल डिविजन होता है और ये मैच्योर नहीं हो पाते, डिवाइड होते जाते, मल्टीप्लाई होते जाते। और आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हमको सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर ये इम्यून सिस्टम ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर इनका डिविजन एबनॉर्मली हुआ, इसलिए सेल्स इमैच्योर होते हैं, ये सेल्स अब इनकैपेबल टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन से हमको बचाने में कैपेबल नहीं है, इसलिए यहां पर इनका कोई काम नहीं, यूजलेस होते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द ल्यूकेमिया, वन इज अ मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया एंड सेकेंड इज अ लिम्फोब्लास्टिक। अब यहां पर देखो डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जिसका नाम है मोनोसाइट, ये मोनोसाइट का नंबर एबनॉर्मली बढ़ता है, उसे कहते हैं मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। जब यहां पर लिम्फोसाइट का नंबर ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल की नंबर बढ़ता है एबनॉर्मल, तब उसे हम कहते हैं लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ये हो गया फोर्थ कैटेगरी ऑफ अ कैंसर। देन द फिफ्थ एंड द लास्ट इसका नाम एडिनोकार्सिनोमा। ये एडिनोकार्सिनोमा के अंदर देखा गया कि ये टारगेट करता है द ग्लैंडुलर टिश्यूज या ग्लैंड्स, अलग अलग ग्लैंड जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है वहां पर हमको ये कैंसरस फॉर्म देखने को मिलता है, ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर फॉर्म होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहां पर द थायराइड कैंसर, थायराइड ग्लैंड के अंदर हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, अगेन यहां यू कैन सी द कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है, देन अनकंट्रोल मास ऑफ सेल। देन एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी है, और बहुत सारे जो एड्रिनल ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर भी हमको देखने को मिलेगा। देन नाउ द कॉजेस ऑफ कैंसर, क्या रीजन है कैंसर क्यों होता है, अलग अलग वजह है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया कि कैंसर होने की वजह कोई फिक्स एक नहीं है, यहां बहुत सारे रीजंस हैं। सो अलग अलग रीजंस है कैंसर का, यानी आज तक ये चीज क्लियर नहीं है कि कैंसर किस वजह से होता है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ केसेस स्टडी किए गए हर केसेस में कुछ नया एजेंट या रीजन उसका कॉज पाया गया, अलग अलग कॉजिंग एजेंट्स पाए गए, तो जिसकी वजह से कैंसर होता है। कैंसर किसे कह रहे हैं, ऐसे एबनॉर्मल अनकंट्रोल
एंड यूजलेस सेल डिवीजन जब होता है और वो मेटास्टेसिस करता है तब उसे हम कैंसरस वर्ड यूज करेंगे। ये कराने वाला जो एजेंट जिसकी वजह से ये सेल डिवाइड कर रही थी, उस एजेंट को या उस सब्सटेंस को या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कार्सिनोजेनिक एजेंट कहा जाएगा। सो जिसकी वजह से कैंसर होता है उसे कहते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट। अलग अलग फैक्टर्स है, कार्सिनोजेनिक फैक्टर जिसमें से हम देखेंगे वन बाय वन जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस है। नंबर वन है द डिफरेंट केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? हम तीन कैटेगरी केमिकल्स के यहां पर देखने वाले हैं। एक हम देखने वाले हैं द टोबैको, सेकेंड हम देखने वाले हैं द डिफरेंट केमिकल जो जैसे कि कोल एंड डिफरेंट है, ये हम देखने वाले हैं। ओके, लेट्स सी द नंबर वन द केमिकल्स विच इंड्यूस द कैंसर में। नंबर वन इज अ निकोटीन। ओके, निकोटीन एक है। देन जैसे निकोटीन के अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टोबैको है, सोर्स है जिससे निकोटीन मिलता है यहाँ पर। अब निकोटीन कुछ जो तो लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर लिक्विड निकोटीन है। जो कुछ यहाँ पर ड्राइड लीफ को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी ड्राइड लीफ है और यहाँ पर भी ड्राइड लीफ इन द फॉर्म ऑफ द पाउचेस। ये है निकोटीन के सोर्सेस जो इनको यूज करते हैं, इससे कैंसर ये इंड्यूस कराता है। याद रखना, सेल को डिवाइड कराने के लिए इंड्यूस कराता है निकोटीन। दूसरा है कैफीन, जो कि अक्सर हम जिसे कॉफी बीन के अंदर मिलते हैं। ये एक्चुअली फल ऐसा होता है और उसके सूखने के बाद अंदर से जो सीड निकलते हैं जिसे हम कहते हैं कॉफी बीन, और इसी का पाउडर बनाकर हम यूज करते हैं कॉफी बनाने में। तो ये भी अगर किसी इंडिविजुअल में, ये भी एक कार्सिनोजेनिक एजेंट का काम करता है। दूसरे द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कंबशन ऑफ अ कोल एंड कंबशन ऑफ अ ऑयल, यानी कोयला जलने के बाद और ऑयल जलकर निकलने के बाद। देखिए, ये जो जलने के बाद जो धुआं निकल रहा है ना, नॉर्मल स्मोक जो होता है वो काफी पतला सा होता है, लेकिन ये काफी घना है, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। इसे स्मोक नहीं कहते, इसे सूट कहते हैं, SOOT सूट। ये काफी डेंजरस होता है। उसके बाद आप देखेंगे कई प्रोडक्ट्स मार्केट में हमको मिलते हैं, जैसे कि पॉलिशेस है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें ह्यूमन अपने बॉडी के ऊपर यूज करता है, तो ये कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं। कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इन द ईयर 1915 के पास में कुछ पेशेंट्स स्टडी जब किए गए तो देखा गया कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द स्क्रोटल कैंसर। तो स्क्रोटल कैंसर का रीजन देखा गया तो वो ऐसे लेबर थे, ऐसे वर्कर थे जो चिमनीज को साफ करने का काम करते, चिमनी के जिससे धुआं बाहर निकलता, धुआं अंदर जमा हुआ होता था, सूट होता था, और उनके अंदर काम करने करने की वजह से कुछ पार्टिकल्स उनके स्क्रोटम को लग जाते थे, उनको कैंसर हुआ, उसे कहते स्क्रोटल कैंसर। उसके बाद कुछ स्टडी किए गए स्किन कैंसर के, तो देखा गया कि स्किन कैंसर का रीजन पाया गया कि ऐसे वर्कर जो कि टारकोल कंपनी में काम करने वाले, वहां पर भी देखा गया, और कुछ ऐसे जो कि भट्टी में काम करते थे वहां पर स्किन कैंसर, लंग कैंसर के भी पेशेंट पाए गए। सो दीज आर द डिफरेंट कैंसर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। लेट्स मूव टू द डिफरेंट केमिकल। और दूसरे केमिकल जैसे कि पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, बाद में कुछ सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, देन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजिन, और उसके बाद दूसरे स्टेरॉइड जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेट्रा, ये ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में सिक्रीट होना चाहिए। अगर ये उससे ज्यादा बढ़ गए, देखो नॉर्मल एक एज तक सिक्रीशन होता है, उसके बाद कम हो जाता है। जब ये कम हो गया और वहां किसी में अगर ये अब एबनॉर्मली बढ़ रहा है, यानी जहां उनका सिक्रीशन कम होना था, अगर सिक्रीशन उनका बढ़ रहा है, तब यहां पर ये कैंसरस होने के चांसेस होते हैं, या फिर बाहर इंजेक्ट किया जा रहा है बाहर से आर्टिफिशियली, तब वो इंडिविजुअल के लिए वो केमिकल्स, वो हार्मोन्स कैंसरस बन जाते हैं। देन ब्रिस्ट कैंसर के कई केसेस को जब ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर कुछ ना कुछ उसका हार्मोनल रिलेशनशिप है, यानी देखा गया कि ऐसे फीमेल मोस्टली डेट प्रिवेंट या अवॉइड द ब्रेस्टफीडिंग, या ब्रेस्टफीडिंग को जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कल्चर होता है, फैशन का होता है, या फिर वी कैन से द सेलिब्रिटीज दे नेवर फीड टू द बेबीज,
इसकी वजह से दे हैव द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये एक रीजन है. या फिर लेट एज में प्रेगनेंसी है, उसके बाद हार्मोनल अप एंड डाउन की वजह से भी उस फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. सेकेंड कार्सिनोजेनिक एजेंट इज अ रेडिएशन. रेडिएशन में हम देखते हैं कि सनरेज से आने वाले अलग अलग रेडिएशन है, जैसे कि आपके सामने एक स्क्रीन पर व्यू देखिए, ये है सन से आने वाले रेडिएशन, कुछ गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, और ये जो लाइट हमको दिखती है ये इतनी ही दिखती है, ये है. उसके बाद इंफ्रा रेड है, माइक्रोवेव है, बाद में रेडियो वेव्स है, लॉन्ग रेडियो वेव्स है, सो ऑन. तो इनमें से ये जो रेडिएशन है ये वाले, इनकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. ये बड़े आसानी से सेल में से पास होते, न्यूक्लियस से पास होते, जेनेटिक मेकअप को अल्टर करने की एबिलिटी होती है. तब अगर बार बार कोई इंडिविजुअल, जैसे कि हमारे मोबाइल से भी निकलने वाले वेव्स इसी में आ रहे हैं, ओके. तो ये जो वेव्स है, एक्स रेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, अगर कोई इंडिविजुअल इनके कॉन्टेक्ट में बार बार आता है तब वो रेडिएशन उसके लिए कार्सिनोजेनिक हो सकता है, उसको कैंसर हो सकता है. रेडिएशन के कई एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल है, जैसे कि स्किन कैंसर का एग्जाम्पल. कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे जो कि वर्कर कंटिन्यूसली अगर धूप में काम करने वाले, ऐसी जगह जहां पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सनलाइट से बहुत ज्यादा गिर रही, और कंटिन्यूसली अगर उनके स्किन पर वो रेडिएशन गिरती है तब उनकी स्किन में ये कैंसर होने का चांस होता है, इसलिए वो कार्सिनोजेनिक रेडिएशन बन जाती है. देन वायरसेस, ये भी कार्सिनोजेनिक है. देखो अभी अब तक हमने देखे कि नॉन बायोलॉजिकल या नॉन लिविंग मैटर, अब वायरस की तो कॉन्ट्रोवर्सी है, वो लिविंग है क्या नॉन लिविंग, बट जब वो बॉडी में एंटर करता है, किसी भी सेल में एंटर करता है तो वो मेटाबॉलिक एक्शन देता है, इसलिए वो लिविंग कैरेक्टर्स रखता है After entering into the living cell. Viruses में देखा गया कि कुछ viruses ऐसे थे जो cancer cause करने की ability रखती. देखा गया कि उनके अंदर एक gene है, उस gene का नाम है viral oncogenes, जिसे VONC genes कहते हैं. V for viral, onc means onco genes. तो viruses, just see, अब screen पर आपके एक photograph है, just see, यहां पर एक normal cell है. नॉर्मल सेल के अंदर नॉर्मली एक जीन होती है जिसका नाम है प्रोटो ऑनको जीन. याद रखना, प्रोटो ऑनको जीन नॉर्मल सेल में ये नॉर्मल सेल डिवाइड कराती है, ओके. लेकिन अगर इस सेल में किसी वायरस का, ऐसे वायरस का जिसके अंदर ऑनको जीन है, अगर वो एंटर करता है, एंटर करने के बाद वो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है. अब यहां पर समझ ले, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं. ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए बनता है. सर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन वही जब रिवर्स होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉपी बनता है, उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो ये एंजाइम सिंगल स्टैंडर्ड, इस वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इस सेल के डीएनए की कॉपी लेकर डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार करता, तब वो तैयार होता है, तब वहां पर वो उसकी ऑनकोजीन को, उसकी प्रोटो ऑनकोजीन को ऑनकोजीन में ट्रांसफॉर्म करता, और वो जो सेल बन गई अब न्यू प्लास्टिक सेल होती है, और ये सेल अब कंट्रोल में नहीं है, अब इसका एबनॉर्मल हो गई, ये सेल डिवाइड करना शुरू करती और इतना सेल डिवाइड करती है कि वो कैंसरस बन जाती है. इसलिए किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द जीन ऑफ दैट वायरस, दैट जीन इज द ऑनकोजीन, वायरल ऑनकोजीन, ये वायरस में होती है. लेकिन कुछ वायरसेस के एग्जांपल, ऐसे वायरस जो ऑनकोजीन वाले होते हैं उनको ऑनकोजेनिक वायरसेस कहा जाता. एग्जाम्पल है द एपिस्टीन बार वायरस. अब ये एपिस्टीन बार वायरस एक ऐसा वायरस है जहां पर ये अलग अलग जनरली सलाइवा के अंदर पाया जाने वाला होता है. इट स्प्रेड ड्यू टू द सलाइवरी इन्फेक्शन से भी स्प्रेड होता है. कई डिसीजेस ये कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में. इसके अंदर, इसमें मेन चीज हमको क्या है कि इस वायरस के जीनोम में एक जीन है, दैट जीन इज कॉल्ड द ऑनकोजीन.
वो जीन जब किसी नॉर्मल सेल के अंदर एंटर करती है वहां पर वो उसका पार्ट बन जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद उसके कई सेल एबनॉर्मल, इवन ये नॉर्मल सेल आप क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, और कई सेल डिवाइड करना शुरू करते हैं एबनॉर्मल। किसकी वजह से हुआ? दिस एपस्टीन बार वायरस की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल जो ऑन्कोजीन वायरस है, दिस इज अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दिस वन इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एंटर करता है, ये एक्चुअली जेनाइटल ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है। ये जेनाइटल ऑर्गन में स्पेशली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल में भी हमको देखने को मिलेंगे। ये जब आता है एंडोमेट्रियम पर, तो एंडोमेट्रियम के ऊपर या सर्विक्स के ऊपर ये कैंसर फॉर्म करता है, जिसे कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। फीमेल के अंदर ये केसेस बहुत ज्यादा इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से देखने को मिलते हैं। इसकी वजह क्या है, ये कैंसर क्यों करा रहा है? क्योंकि ये वायरस के अंदर एक जीन है जिसका नाम है ऑन्कोजीन, जो उस ऑर्गन यानी इस नॉर्मल सेल को एबनॉर्मल करके डिवाइड करने पर एक्टिवेट कर देती है। देन नेक्स्ट है ऑन्कोजीन। वो तो वायरस की बात थी, अब ऑन्कोजीन क्या है यहां पर? ऑन्कोजीन, अच्छा देखा गया कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के सेल में कई जीन्स है, ओके, देर आर सेवरल जीन्स जिन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन कहा जाता, सेल के अंदर पाए जाने वाले सी ऑन जीन्स। वो था वायरस का, ये नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं। जैसे कि सी इन द फोटोग्राफ, ये है नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर उसका जो डीएनए, डीएनए को अगर बाहर निकाल कर देखे तो डीएनए में कुछ टुकड़ा है, सेगमेंट है, ये सेगमेंट, ये है वो सेगमेंट जिसको हम कहते हैं ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन। एक्चुअली सेलुलर ऑन्कोजीन का नाम यहां पर प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो मतलब पहले, ओके, दिस आर द प्रोटो ऑन्कोजीन, याद रखना इनका नाम प्रोटो ऑन्कोजीन। ये सेलुलर ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल डिवाइड करने में, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता, इसलिए सेल डिवीजन नॉर्मल होता। लेकिन जब किसी कैंसर कॉजिंग एजेंट की वजह से, अब कोई वायरस हो सकता है या कोई केमिकल हो सकता है, जैसे निकोटीन है, कैफीन है, या हाइड्रोकार्बन्स है, या स्टेरॉइड हार्मोन्स है, कोई भी एजेंट हो सकता है। ये एजेंट अगर उस नॉर्मल सेल पर लगातार प्रोलॉन्ग्ड यूज होता गया तो ये ऑन्कोजीन को ये एजेंट एक्टिवेट करता। देखो, प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाता है इंटू ऑन्कोजीन। जब एक्टिवेट होगा तो उसका नाम क्या होगा? प्रोटो से प्रोटो निकल गया, ऑन्कोजीन। अब ये ऑन्कोजीन जैसे ही यहां पर तैयार हो गया, अब ये ऑन्कोजीन जो नॉर्मल सेल डिवाइड होने की वजह से ये खामोश एंड अनएक्टिवेटेड थी, अब एक्टिवेट होती है और एबनॉर्मल सेल डिवाइड करना शुरू करती है, और उस पेशेंट में हम देखते हैं दैट सफर्स फ्रॉम द कैंसर, वो कैंसरस हो जाती है। ये नॉर्मल जीन की एबनॉर्मल होने के बाद हुआ। देन नेक्स्ट एडिक्शन, ये कार्सिनोजेनिक एजेंट है जिसकी वजह से हमको यहाँ कैंसर के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा हमको देखने को मिलती है। तो हम एडिक्शंस में हम देखने वाले अलग अलग एडिक्शंस देखेंगे। एक है एडिक्शन ऑफ टोबैको, दूसरा हम देखने वाले एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, तीसरा हम देखने वाले एडिक्शन ऑफ ड्रग। तीन एडिक्शन इस टॉपिक पे देखने वाले। सो लेट्स सी, नंबर वन इज एडिक्शन ऑफ टोबैको। टोबैको एडिक्शन में हम देखते हैं कि अलग अलग, जैसे कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन, दूसरा च्यूइंग ऑफ टोबैको। देन ये स्मोकिंग की वजह से या च्यूइंग की वजह से यहां पर कैंसर होता है, द कैंसर इज कैंसर ऑफ अ माउथ, ये है कैंसर ऑफ माउथ, तंबाकू यहां पर रखने की वजह से, यहाँ पर लिप पर रखने की वजह से, यहाँ पर कैंसर ऑफ लिप्स, कैंसर ऑफ लिप्स, एंड नेक्स्ट इज द कैंसर ऑफ अ लंग्स, ये देखिए लंग्स के ऊपर यहां पर कैंसर फॉर्मेशन हुआ। सो दीज आर द डिफरेंट कैंसर्स। रीजन क्या है पर एडिक्शन ऑफ अ टोबैको। दूसरा एडिक्शन है एडिक्शन ऑफ अल्कोहल कंजप्शन। अल्कोहल की वजह से अलग अलग ऑर्गन पर कैंसर होता है, जैसे कि द कैंसर ऑफ इसोफेगस, ये देखिए ये इसोफेगस है जिसके वजह से मुंह से खाना स्टमक में एंटर करता है। नेक्स्ट है द कैंसर ऑफ द स्टमक, ये भी अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से होने के चांसेस होते हैं। द कैंसर ऑफ इंटेस्टाइन, स्पेशली द लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कोलोन कहते हैं, इसे कोलोनिक कैंसर कहा जाता है। देन द कैंसर ऑफ लीवर, लीवर के ऊपर भी हम देखते हैं, ये देखिए ये सर्जरी के लिए रिमूव कैंसर का पार्ट है,
लीवर के ऊपर प्रेजेंट था. देन नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ द एडिक्शन इज द ड्रग का एडिक्शन. ड्रग में जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर मरीजुआना का, यहाँ पर इसे कॉमनली हम गांजा कहते हैं. ये प्लांट का मटेरियल है, ऐसे सूखने के बाद इसको ये इस तरीके से यूज किया जाता. उसके अलावा दूसरे ड्रग्स है, हीरोइंस है, देन अलग अलग ड्रग्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है. और एक ड्रग का नाम एनारोबिक स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा, ये सब कैंसर कॉज करने के यानी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स में इनको ऐड किया जाता है. देन द लास्ट पार्ट इज द ट्रीटमेंट. कैंसर पेशेंट को अगर वो कैंसरस हो जाता है ओके, तो अब उसको ट्रीटमेंट कैसा किया जाएगा. तो ट्रीटमेंट में हम देखने वाले हैं, द ट्रीटमेंट इज नॉट अ सिंगल ट्रीटमेंट. यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, अलग अलग मिलाकर तीन से चार चीजों को मिलाकर ट्रीटमेंट किया जाता. नंबर ऑफ थेरेपीज होते हैं जिसमें हम देखने वाले. नंबर वन थेरेपी इज अ कीमोथेरेपी. तो कीमोथेरेपी मतलब केमिकल की थेरेपी दी जा रही है. केमिकल थेरेपी में अलग अलग एंटी कैंसर ड्रग्स को यूज किया जाता. अब इनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज है डिपेंडिंग अपॉन द कैंसर, कौन सा कैंसर है, कौन से ऑर्गन का कैंसर है, कैंसर का स्टेज कौन सा है. ये अलग अलग कैटेगरीज है यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग्स के, इसको यूज किया जाता है. देन कीमोथेरेपी का सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है. जैसे ये केमिकल यूज किया जाता है ऐसे कैंसर सेल के ऊपर, ये कैंसर सेल के अंदर का डीएनए जो सिंथेसिस को स्टॉप कराता है. इट इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस, जिसकी वजह से ये कैंसरस सेल वहां पर अपना डिवाइड करने का काम रोक देती है, या फिर ऐसा केमिकल जो उनको मार देती है. मारने के बाद अब बचे हुए जो सेल्स होते हैं वो होते हैं नॉर्मल सेल. ये कैंसरस सेल खत्म हो गई. ये कीमोथेरेपी का एक काम करने का आइडिया इस तरीके से वर्क करता है. देन इसका साइड इफेक्ट भी है. जैसी कीमोथेरेपी का यूज करते हैं तो वो पेशेंट के ऊपर के हेयर लॉस का चांसेस होता है, पूरे उसके सर के ऊपर के या स्किन भी पूरी चेंज हो जाती है, और उसके साथ ही उनके अंदर आरबीसी का नंबर भी काफी कम हो जाता है, जिसके से हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है. दैट इज एनीमिया कंडीशन. लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं, भले ये जो तो साइड इफेक्ट दिख रहे, लेकिन बाद में इन दोनों को या जो भी साइड इफेक्ट है इनको वापस ट्रीट कर करेक्ट किया जा सकता है ट्रीटमेंट स्टॉप होने के बाद. देन सेकेंड इज अ रेडियोथेरेपी. अब रेडियोथेरेपी में यहाँ पर रेडिएशन यूज किए जाते हैं इन एडिशन विद कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी के साथ में सिर्फ रेडिएशन नहीं चलेगा, सिर्फ कीमोथेरेपी भी नहीं चलेगी, ये दोनों को यूज किया जाता है. इसमें क्या सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, कि यहाँ पर यूज किया जाता है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल. अब यहाँ पर व्हाट इज रेडियो एक्टिव मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिस पर लाइट के रेडिएशन, लाइट गिरने के बाद वो एक्सपोज होता है और उससे कुछ रेडिएशन बाहर निकलते हैं, रेज बाहर निकलते हैं, और वो रेज इतने कम वेवलेंथ के होते हैं कि बड़े आसानी से उस कैंसर सेल में से पास होते हैं, उसके डीएनए को ब्रेक करते हैं और वहां से वो सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं. यह है सेंट्रल आइडिया रेडिएशन का. तो यहाँ अलग अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया जाता है. तो वो कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, जैसे कि कोबाल्ट एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, रेडिएशन निकलने के लिए. बाद में इरिडियम को यूज किया जाता, देन आयोडीन को भी यूज किया जाता फॉर रेडियोथेरेपी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल पर. देन रेडिएशन जो इनसे निकलते हैं जनरली वो एक तो एक्सरेज रहेंगे, नहीं तो गामा रेज रहेंगे, नहीं तो चार्ज पार्टिकल्स को यूज किया जाता. अब जब भी जो यूज करेंगे, अब देखो ये है वो रीजन जहां पर कैंसरस का ट्यूमर है, लेकिन जब रेडिएशन किए जाते हैं तो वो टारगेट किया जाता उतने रीजन को, लेकिन साथ में हमको देखना है कि बाजू में नॉर्मल सेल्स भी है. तो कुछ हद तक मिनिमम कॉज होता है, मिनिमम डैमेज ऑफ सराउंडिंग सेल्स इज ऑल्सो ऑब्जर्व, क्योंकि डायरेक्टली रेडिएशन सिर्फ सेलेक्टेड उस कैंसर सेल को नहीं होता, उसके पास के कुछ सराउंडिंग के कुछ नॉर्मल सेल को भी नुकसान होता है उनके ऊपर रेडिएशन गिरने की वजह से. देन द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज अ सर्जरी. जनरली दिस सर्जरी जो होता है ये एक लिमिटेड यूटिलिटी में, ज्यादा इसका यूज नहीं किया जा सकता. लिमिटेड मतलब कुछ ट्यूमर्स में ही यूज किया जाएगा, सब में पॉसिबल नहीं होता है. देन होता क्या है इसमें, कि सर्जरी करते वक्त जितना जो
ट्यूमरस पार्ट है या वो एक लिमिटेड रीजन में है, तो उतना सर्जरी से उसको निकाला जाता और रिमूव कर उसको फेंक दिया जाएगा। ये सर्जरी के लिए रिमूव करते वक्त एक चीज है कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ सेल्स वहां बच सकते हैं, स्कैप हो सकते हैं सर्जरी में, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए उसके साथ वहां पर केमिकल थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देना जरूरी हो जाता है। ऐसे केसेस जो सर्जरी में यूज किए जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में ये सर्जरी पॉसिबल है, बाद में यूटेराइन के अंदर फिब्रॉइड के हम देखें कि ये भी बड़े आसानी से सर्जरी से उसको निकाला जा सकता है। सर्जरी यहाँ यूज की जाती, सर्जरी हर जगह इस्तेमाल नहीं होती है। देन इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी होता क्या है? इम्यूनोथेरेपी में जनरली नॉर्मल कंसेप्ट क्या है कि जैसी ट्यूमर सेल बनती है, ये ट्यूमर सेल क्या करती है कि वहां का जो टी सेल है, यानी जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सेल है, जो इम्यून सिस्टम से उस सेल को आने वाले को खत्म करने का काम करता, मारने का काम करता, ये इसी को बाइंड करता, उसको डीएक्टिवेट करता। कौन? ट्यूमर हमारे इम्यून सिस्टम के सेल को डीएक्टिवेट करता, इसलिए ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। अब ऐसी थेरेपी जिसके अंदर उस ट्यूमर के सेल को स्टॉप किया जाता, ट्यूमर सेल को डीएक्टिवेट, अब उल्टा क्या किया जा रहा, इस थेरेपी से उस ट्यूमर सेल को डीएक्टिवेट किया जाता ताकि वो टी सेल को इंटरप्ट ना करें, इसलिए यहां पर उसको डिटेक्शन कर उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये वर्किंग इम्यून थेरेपी का आइडिया है यहाँ पर। देन इम्यूनोथेरेपी में अलग अलग थेरेपीज यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में अल्फा इंटरफेरॉन नाम का यूज किया जाता, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एक्टिवेट करता है और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, ऑनकोलाइटिक वायरसेस है, साइटोकाइंस है, लिम्फोकाइन एक्टिवेटेड किलर एंड नेचुरल किलर सेल्स है, टी सेल्स है, देन ट्यूमर इन्फ्लेटिंग लिम्फोसाइट्स है, डेंड्रिटिक मेसेनकाइमल सेल्स है, कार सेल्स है, फ्यूजन प्रोटीन्स है, देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है और वैक्सीन है। ये सारे यूज किए जाते हैं इम्यूनोथेरेपी में। सो ये एडवांस काफी जो तो ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट का इम्यून पावर को एक्टिवेट कर बूस्ट कर ट्यूमर को खत्म करने का काम किया जाता। देन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर और दिस वीडियो इज अ सपोर्टिव थेरेपी। अब इस सपोर्टिव थेरेपी में क्या किया जाता कि ये यूज किया जाता टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ द कैंसर एंड ऑल्सो टू ट्रीट द साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यो पेशेंट के सिम्टम्स कैंसर को भी ट्रीट करने में यूज करते हैं, उसके साथ साथ जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कि स्किन खराब होना, बाल का गिरना, एनीमिया का होना, ये सारी चीजों को भी यहाँ पर किया, यहाँ पर खास ख्याल किया जाता है टू इम्प्रूव द पेशेंट्स क्वालिटी लाइफ, यानी उस पेशेंट की जो लाइफ है उसको क्वालिटेटिवली इंप्रूव करने के लिए ये ट्रीटमेंट होती है जिसे कहते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब ये थेरेपी जो होती है ये हर पेशेंट के हिसाब से, हर कैंसर के हिसाब से ये अलग होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सपोर्टिव थेरेपी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीज कैंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।